हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार मानसी पौशाला लालगंज। तो साथियों, आज के वीडियो में हम सबको मार्च और अप्रैल के महीने में रहने वाले पौधे के बारे में बताने वाले हैं। साथियों, मौसम जो सर्दी का फ्लावरिंग चल रहा था वह अभी धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, और अभी आप जो गर्मी वाले फ्लावर और शो प्लांट है वो सब आप अपने गमले और अपने गार्डन में लगाइएगा। और इस समय गर्मियों में लगने वाले जो फूल हैं वो हमारे नर्सरी के अंदर उपलब्ध हैं, और आप लोगों को सभी फूल और शो प्लांट के विषय में आज के वीडियो में हम इसे बताने वाले हैं। और साथ ही साथ फरवरी और मार्च के महीने में जो फलदार पौधे होते हैं और लकड़ी वाले जो पौधे होते हैं, जैसे कि मेहोगनी का, यूकेलिप्टस, सागवान, और फलदार जो पौधे होते हैं वो जैसे ज़्यादातर में लोग आम लगाते हैं, आम के पौधे, तो इस समय आम हुआ, नींबू, मौसमी, संतरा, कटहल और नाशपाती, सेब और लीची, चीकू, बेल है, आंवला है, तो जितने फलदार पौधे हैं ये सभी आप फरवरी और मार्च के महीने में लगाइए। और आने वाले बरसात के महीने में ये सब पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से इनका ग्रोथ होता है, और जो बारिश का महीना होता है उसमें जो फुहारे पौधे के ऊपर पड़ता है तो उससे इनकी पत्तियों में बहुत ही शानदार शाइनिंग आता है और ये पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। तो साथियों, आप लोग फरवरी और मार्च के महीने में ये सभी प्लांट लगाया करिए, और इससे आपका बहुत अच्छी तरीके से पौधा ग्रो करता है और बहुत ही शानदार उसका आने वाले बरसात में ब्रांचेज निकलते हैं। तो साथियों, लगाने के तो जिसके पास पानी के साधन है वो किसी भी महीने में पौधे को लगा सकते हैं, और ज़्यादातर में लोग बरसात के महीने में लगाने की बात करते हैं। तो साथियों, बरसात के महीने में पौधा तभी लगाया जाता है जहाँ हम पानी को अपने तरीके से पानी को ना दे सकें। इससे ये होता है कि बारिश का जो पानी बचता है उस पानी को पौधे के अंदर चला जाता है, और हम पानी नहीं भी देते हैं तो पौधा लग जाता है और ग्रो करने लगता है, चलने लगता है। तो इसकी वजह से लोग बरसात का इंतज़ार करते हैं। तो साथियों, बरसात का इंतज़ार नहीं करना है, आप लोग फरवरी और मार्च के महीने में पौधा को लगाइए। और पानी का जो सिस्टम है, पानी ही एक समस्या है, पानी देते रहिएगा तो पौधा किसी भी समय आप लगा सकते हैं, ऐसा ना कि बरसात में ही लगाया जाए। तो जो साथी पानी दे सकते हैं तो वो साथी किसी भी महीने में पौधे को लगाएं, पौधा लग जाता है। और ज़्यादातर में फरवरी और मार्च का महीना सबसे बढ़िया होता है, और ये ठंडी जो सर्दी का महीना होता है उसको ख़त्म होने के बाद ये पौधा लगाया जाता है। और लगाने का एक और मौसम होता है अक्टूबर का, तो अक्टूबर महीने के बाद फिर इसके बाद ठंडी आ जाता है, तो पौधा वहीं उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो साथियों, अक्टूबर महीने में भी आप प्लांट को लगा सकते हैं, और जैसे कि जो सर्दी वाले फ्लावर होते हैं उसको अक्टूबर महीने में लगाया जाता है ताकि सर्दी आने में पौधा पूरी तरीके से तैयार हो जाए और सर्दियों में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करे। तो वो सर्दियों के लिए है। जो फलदार पौधे हैं साथियों, ये आप फरवरी और मार्च के महीने में इसको लगाइए, और आने वाले बरसात के समय में जैसे अप्रैल और मई का जो महीना होता है बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ती है, और उस गर्मी में आपको पौधे को पानी से जिलाना होता है। अगर आप पानी को से जिला लेते हैं तो आने वाले जुलाई और जून के महीने में 20 जून से बारिश होना अनिवार्य हो जाता है, और उस समय थोड़ी थोड़ी समय पर 2-4 दिन के बाद बारिश तो होना ही लगता है, और उससे हमारे पौधे को बहुत ही
लाभ होता है। पौधा 2-3 महीने पहले, जैसे मार्च हुआ और जनवरी में तो नहीं, फरवरी मार्च से पौधा अगर लगा होता है तो आने वाले बरसात में वो पौधा जिस तरीके से बारिश पड़ती है, पत्तों पे वो जो फुहारे पड़ते हैं, उस समय पौधे बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो करते हैं और बहुत ही सुंदर उनके कलर हो जाते हैं बारिश के महीने में। तो साथियों, आप बारिश में लगाएंगे तो पौधा उसको लगने के लिए 2 महीना बचता है, जुलाई हुआ, अगस्त हुआ, लेकिन उसके बाद तो ठंडी आनी है और ठंडी में जो उसका ग्रो होता है वो रुक जाता है। तो साथियों, हमारा जो वीडियो है उस वीडियो पौधे को लगाने के लेके है, और साथ ही साथ मैं अपने नर्सरी में आपको पौधे के बारे में कुछ बताते हुए दिखाना चाहता हूँ। और तो साथियों, आइए हम दिखाते हैं आपको अपने नर्सरी का दृश्य और उसमें लगे हुए फल वाले पौधे। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि हमारी लालगंज की नर्सरी है और इस नर्सरी में सभी प्रकार के फ्लावर दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो फूल हैं, ये पिटोनिया के हैं, ये सर्दियों वाले फूल हैं, तो अभी भी 2 महीने ये 2 महीने चलेंगे। और ये देख सकते हैं ये गर्मियों वाले फूल हैं जिसका नाम है, देखिए विंका, और ये है नैनो क्लाब जिसको सजीवनी बूटी भी बोलते हैं। और साथियों, ये देख सकते हैं ये हाइब्रिड गुड़हल है, बहुत ही सुंदर, छोटे पौधों में बहुत ज़्यादा फूल लेने वाला हाइब्रिड गुड़हल। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं अपने बेडरूम में जो रखने वाले शो प्लांट हैं, ये आउटडोर इंडोर आप रख सकते हैं इस पौधे को। और इस पौधे में बहुत सारे एरिका है, क्रिसमस ट्री, मोर पंखी, और देख सकते हैं साइप्रस है, और डिपेंडेंसिया है, और देख सकते हैं अरेलिया है, फोनिस पाम है, तो चाइना पाम है, ऐसे बहुत सारे शो प्लांट हैं। और हमारे पास देख सकते हैं ये जो आम के पौधे हैं, काफ़ी 5 से 6 फीट के, 6 फीट से प्लस है ये जो आम के पौधे हैं, तो देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप दिखा रहे हैं महोगनी का बहुत ही सुंदर पौधा हमारे पास है। तो साथियों, महोगनी का जो वीडियो हमने बनाया हुआ है आप लोगों को दिखा, आप लोग ज़रूर देखिए उस वीडियो को। तो महोगनी का जो प्लांट है बहुत ही सुंदर और लंबा मजबूत पौधा है हमारे पास है। तो साथियों, जिस साथी को महोगनी की बहुत सारी पौधे चाहिए, वो साथी लालगंज में आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पौधा और मोटा पौधा है। तो आप महोगनी का पौधा लालगंज मानसिक पौधशाला में आके ले जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारे नर्सरी का दृश्य है, और लालगंज हाईवे चौराहा से मात्र 50 कदम की दूरी पे ये नर्सरी है। आप देख सकते हैं ये हाईवे जा रहा है, ये हाईवे है, और ये जो रोड है जिस तरफ हमारी नर्सरी का सामना है, इधर इन जो डिग्री कॉलेज है, श्री कृष्ण डिग्री कॉलेज, श्री कृष्ण गीता डिग्री कॉलेज, और उसी रोड पे ये नर्सरी है, उसका जो सामना है उसी रोड पे है, और यहीं से हाईवे का चौराहा स्टार्ट होता है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को पौधे के लगाने के विषय में, कौन से महीने में पौधे को लगाया जाता है और कौन कौन से प्लांट हमारे नर्सरी में हैं, तो साथियों ये सब जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों तक पहुँचाना चाहा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।